कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान। जी हां, आपको बताते चले, जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया है कि वो अपने बयानों से राजनीतिक रोटियां नासिक हैं। ये खास खबर आरजीसी पर देखिए, किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस पर। जो है वो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पे पूरी तरह से फेल है। सच्चाई यह है कि चाहे वो अकोला हो, चाहे खामगांव हो, अभी लिंचिंग का प्रयास हुआ एक बच्चे का, आज कोल्हापुर का मसला हो, उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कुछ अतिवादी संगठन है जो लगातार कभी एक हैदराबाद के विधायक को बुला करके, भाजपा के निष्कासित विधायक को बुला करके, कभी एक भड़काऊ चैनल के संपादक को बुला करके पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह के नफरती कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और उसको पूरी तरह से सरकार का शह है। अगर इस तरह के कार्यक्रमों को सरकार स्वीकृति दे रही है तो क्यों दे रही है, और अगर बिना सरकार की स्वीकृति के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पुलिस पर पथराव करने वाले, आज जो कोल्हापुर में घटना घटी उसमें पुलिस पर पथराव करने वाले लोग कौन है जो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पे किसी ने एक स्टेटस किसी चीज का रखा और अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन पूरी भीड़ इकट्ठी कर करके और माहौल बना करके सरकारी शहर पर जो है बिल्कुल दंगे जैसा माहौल खड़ा कर देना, और ऊपर से फिर उप मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान, ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नैतिक रूप पर यह सरकार गिर चुकी है जो लोकतंत्र को लूट करके बनाई गई थी। और अब इस सरकार के पास जो इंटरनल सर्वे है वो बताता है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का आने वाला चुनाव, दोनों में एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी की इसके गठबंधन वाली जो सरकार है उसके हिस्से में बहुत कुछ आने नहीं जा रहा है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में माहौल खराब करके एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से विफल है ये सरकार।